हेलो गाइस, आज हम करेंगे टचअप इन बालों पर और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है टचअप। ठीक है, तो गाइस हमारे पास ये वाला कलर है गोदरेज का, ये कलर है और नीचे डेवलपर है और साथ में हमारे पास ब्रश है और टेलकॉम है और ये बाउल है और सेक्शन क्लिप है। ठीक है, और ये शीट है। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं हेयर कलर। तो जैसे कि गाइस हम क्लाइंट के शीट लगा चुके हैं, तो गाइज हमारे पास गोदरेज के टू कलर्स हैं। हम इसको सबसे पहले काट लेंगे और इसको बालों में मिक्स कर लेंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि घर पर टचअप कैसे करें। बहुत सारे लोगों के मेरे पास आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ कोई ऐसी मिट्टी लेके आए जिसमें हमें बताइए कि गोदरेज का कलर हम घर पे लगाते हैं तो फ्रंट फ्रंट पर तो लग जाता है लेकिन बाइट पे पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से निकाले पहले, क्योंकि थोड़ा सा भी कलर वेस्ट नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम गाइस लगाएंगे डेवलपर, ये गोदरेज का ही डेवलपर है, इसे भी हम काट लेंगे और ये बाउल में हम इसको भी डाल देंगे। तो गैस अब देखो, अब गैस हम इससे ब्रश से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस ग्लव्स पहने वो तो बहुत ज़रूरी है, कोई भी केमिकल वर्क करते हो तो ग्लव्स जरूर पहने, क्योंकि इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट या किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है गैस, सबसे पहले देखिए हम सबसे पहले सेक्शन निकालेंगे। ठीक है, सेक्शन निकालने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कलर, और कलर जो लगाना है सिर्फ वाइट वाइट बल्ब पे लगना चाहिए, ब्लैक बल्ब पे कलर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए क्योंकि फिर ओवर कोटिंग हो जाती है। ठीक है गैस, ऐसे सारे पीछे तक हमें ऐसे लगा लेना है। ठीक है गैस, फिर हमने क्या करना है, यहाँ से सेक्शन निकालना है साइड पर। ठीक है, साइड पर सेक्शन लगा निकाल के यहाँ पे साइड पे कलर लगाना है और इसे सेपरेट साइड में कर देना है। तो गाइस हमें जब भी फ्रंट पे कलर लगाना है, फिर अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसे कॉम करेंगे। ठीक है, कॉम करने के बाद गाइस हम इस पर ब्रश से ऐसे कलर लगा देंगे, अच्छे से कलर लगना चाहिए और एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, ध्यान से करना है। ठीक है गाइस, फिर हम सेक्शन निकालेंगे और पतले पतले सेक्शन निकाल कर ऐसे कलर ऊपर को हम लगाते जाएंगे। और कलर जब भी हम ब्रश में कलर लेते हैं तो ज़्यादा भर के कलर नहीं लेना, ये तो फिर क्या होगा कि कलर की वेस्टेज ज़्यादा होगी, उतना ही कलर लेना है हमने, उतना ही कलर हमने लेना है जितना हमें कलर की नीड है। साथ में आपको ऐसे कॉम करते रहना है। लगा लिया ब्रश, थोड़ी कॉम कर ली।
है गाइस, तो एक साइड हो चुका है, हम दूसरी साइड करेंगे। तो क्लाइंट को बोलेंगे घूम जाओ, तो क्लाइंट घूम जाएगा। इसी तरह से फिर हम ऐसे पहले सेक्शन निकालेंगे साइड से। सबसे पहले हम सेक्शन जब साइड से निकालेंगे तो साइड्स पर हम कलर लगाएंगे गाइस ऐसे। कलर जब भी लगाना है तो हमें कलर देख रहे हैं ना कि कलर ऐसे लगाएं कि कलर कम भी ना हो, कलर ज़्यादा भी ना हो। कई बार क्या होता है कि हम जब कलर लगाते हैं तो बाउल में बहुत सारा कलर बच जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब कलर लगाते हैं तो बाउल में बहुत ज़्यादा कलर कम हो जाता है। तो इस हिसाब से लगाएं कि आपकी जो कलर अटैचमेंट है वो सही बैठे। आपको पता होना चाहिए कितना कलर है, कितना कितने हेयर, कितने वाइट हेयर है, हमें कितना कलर मिक्स करना है, ठीक है। चलो कलर अगर कम हो जाता है तो उसका कोई बात नहीं, अगर कलर ज़्यादा बन जाता है तो उसकी फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपका बॉस भी आपको बोलेगा और आपको खुद को भी नहीं लगेगा, अगर आपका अपना कलर होगा तो आपको खुद का नुकसान हो जाएगा इसमें। तो इससे अच्छा है कि गाइस कलर उतना ही मिक्स करें जितनी आपको नीड है, ठीक है। और जब भी कलर लगाना है छोटे छोटे सेक्शन लगे लगाना है, अगर आप बड़े सेक्शन लोगे तो कलर आपका जो वाइट हेयर्स है वो अच्छे से कवर नहीं होगे और आपको बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, कलर भी ख़राब होगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है कि ऐसे कलर जब भी लगाना है तो छोटे छोटे सेक्शन में ही लगाना है। और हाँ, एक बार तो जब भी हम टचअप के लिए हेयर कलर लगाते हैं तो आपने एक बार ध्यान में रखनी है कि टचअप कलर लगाते हुए आपने जब भी कलर स्टार्ट करना है फ्रंट से ही करना है, बैक से कलर स्टार्ट कभी नहीं करना है, फ्रंट से कलर स्टार्ट करना है। जब भी फ्रंट से कलर स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके फ्रंट ज़्यादा मेन होता है, इसलिए ज़्यादा हमारे जो जिन आप नोटिस कर रहे हैं जिनके भी ज़्यादा हेयर होते हैं, वाइट हेयर होते हैं, वो ज़्यादा फ्रंट पे ही होते हैं, तो फ्रंट पे ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो फ्रंट से ही अपने स्टार्ट करना है क्योंकि फ्रंट से बहुत ज़रूरी होता है स्टार्ट करना, इसका ये रीज़न है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। ऐसी ऐसी वीडियो की अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसे लगा होगी कुछ पूछना है या कुछ भी करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और मुझे कमेंट पे ये बताना कि कभी आपने ये ऐसे कलर किया है या कौन सा कलर करते हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब जैसे कि देखो फ्रंट पे कलर लग चुका है, ठीक है, अब हम बैक पे कलर लगाएंगे। जब भी हमने बैक पे कलर लगाना है तो सबसे पहले हमें ये जो साइड्स हैं इसको कवर करना है क्योंकि जहाँ से ही बैक से ज़्यादा दिखते हैं। इनके बाद हमने यहाँ भी लगाना था क्योंकि गाइस इनके बीच में है नहीं है वाइट हेयर, तो हमने इनके फ्रंट में ही लगाना था। जैसे कि कलर इनका देखो गाइस लग चुका है प्रॉपर सही तरीके से। तो अभी हमने क्या करना है, एक बार कॉम कर देनी है। कॉम करने से क्या होता है कि कलर आपका अगर कहीं से ना लगाओ तो वो लग जाता है। उसे कॉम करके हमने इसे टाइप कर देना है, दैट और कुछ नहीं करना। और तो अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आएंगे।